तो लोगों को लगता है कि एटीट्यूड इश्यूज तो नहीं है इसलिए. द पीपल हु रियली सपोर्ट मी एंड लव मी, उनको पता है कि मेरे से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं. जब इस बुलावा मैंने गाया है तो उस टाइम पे आई वाज 75 की थी. नहीं यार, नहीं सीरियस, हाँ सीरियस की मुश्किल हो जाता है अगर कास्ट पहले होती तो पैसे वाला थोड़ा काम करने के. तो काम पे फोकस करना चाहिए ना यार, क्या हो गया, कुछ एक चीज कम है, कुछ ज्यादा है, कुछ रियल लाइफ में मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ. ना ही हुआ यार किसी के साथ, मतलब यार वेरी बिल्कुल जिसके साथ हुआ होगा. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी और हमारे साथ हैं बेहद ही कमाल के गेस्ट, एक ऐसे कमाल के अदाकार, अपकमिंग स्टार जो इस बात का प्रतीक हैं कि अगर आप शिद्दत से किसी चीज़ को पाने की मतलब दिल में तमन्ना रख लो तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिल जाती है. मैं बात कर रहा हूँ प्रतीक की और साथ में है मदहोश कर देने वाली आवाज़ की मल्लिका शिप्रा और हिट मशीन कुणाल भाई. मतलब बैक टू बैक हिट गाने दे के आप सभी मतलब भाई कमाल कर रहे हो भाई. पहले तो आपको थैंक यू सो मच क्योंकि आपने इतना अच्छा इंट्रो दिया, मतलब जबरदस्त इतना पॉजिटिविटी से भरा इंट्रो था ना इनका, मतलब मैं क्या बताऊं. वो हमेशा रहते हैं क्योंकि आपके जैसे पॉजिटिव लोग मिलते हैं, कमाल के क्रिएटिव लोग मिलते हैं ना, तो अपने आप शब्द निकल जाते हैं. क्या बात है, थैंक यू सो मच. कैसी हैं आप और कुणाल भाई कैसे हैं? मैं एकदम अच्छा, आई एम गुड थैंक यू, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूं. बहुत सूट कर रहा है आपका ग्रीन कलर, थैंक यू सो मच. और सुबह से शाम तक अब तो आप ही लोग के गाने सुन रहे हैं लोग. क्या बात है, थैंक यू, बस यही चाहिए. तो देख, मतलब पहली बार आपको जब ये गाने का कॉन्सेप्ट सुनाया गया, क्या फीलिंग थी और वो जब निकला है वो जो आउटपुट इतना अच्छा, उसके बारे में क्या कहना है? भाई मुझे लगता है कि जब कॉन्सेप्ट मुझे सुनाया गया तो मुझे लगा कि यार थोड़ा सा वो लगा कि यार अच्छा ठीक है, अभी द पीपल हु रियली सपोर्ट मी एंड लव मी, उनको पता है कि मेरे से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं. तो मुझे लगा कि यार मेरे को उनको कुछ ऐसा देना है कि यू नो वो मुझसे और प्यार करने लगे. तो मेरे को ऑब्वियसली एक थोड़ा प्रेशर तो होता है कि यार कैसे करूँगा, क्या मैं फील कर पाऊंगा उस मोमेंट, क्योंकि ये बहुत एक रिस्क वाली चीज़ है कि आपको उस मोमेंट पे वो चीज़ फील करना ज़रूरी है. और वो ट्रिकी होता है कभी कभार कि क्या कभी फील नहीं भी होता तो कभी कभार आप जोन आउट हो जाते हो ना. तो वो चीज़ मेरे लिए थी कि मैं बस जोन आउट ना हूँ, मैं फील कर लूँ उस चीज़ को, बस ये था दिल में शॉट देने तक. एंड थैंक गॉड आई कुड फील इट एंड आई कुड ब्रिंग इट आउट, आई कुड पोर्ट्रेट करेक्टली. सो बहुत मज़ा आया यार भाई, बहुत मज़ा आया. शिप्रा, मतलब आप न सिर्फ इतना अच्छा गाती हैं, मतलब स्क्रीन पे भी इतनी प्रेजेंस कमाल की है आपकी, कैसे कर लेते होगी आप? प्यार किया एक टाइम था जब मैं 75 की थी, मेरा वेट हुआ करता था और तब मैं सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग करती थी. जब इश्क बुलावा मैंने गाया है जी, तो उस टाइम पे आई वाज 75 की थी. कुणाल भाई, मतलब ऐसे कमाल के जब एंसेंबल कास्ट मिल जाती है, लिखना कितना आसान हो जाता है और शब्द आपके ऐसे होते हैं वो मिस्री की तरह कान में घुलते जाते हैं. लिखना मुश्किल हो जाता है अगर कास्ट पहले होती तो, पैसे वाला थोड़ा सा बटर चूर गाना पहले मैं दिया था. गाना जबरदस्त है, क्या लिरिक्स है भाई. ट्रेजेडी किंग बनते जा रहे हो, मतलब सामना में देखो, दुआ करो में देखो, अभी देखो, मतलब वो जो लोगों का दर्द है, रुला क्यों रहे हो इतना फैंस को, एक्सटेंडेड फैमिली को? बट ये तो हैप्पी है, ये वाला गाना तो बहुत बहुत हैप्पी गाना, एंडिंग इसकी थोड़ी सी है, बट एंड में फिर रुलाता है, फिर रुला रहे ना, एंड रिजल्ट तो रोने वाले ही है. देखो भाई, मुझे लगता है कि खुशी से तो लोग जुड़ते हैं लेकिन आंसुओं से बहुत लोग जुड़ते हैं. जो तुम्हारे आंसुओं के साथ आंसू बहा देना वो पक्का रिश्ता बन जाता है. तो थोड़े से बहा दो मेरे साथ आंसू यार, पक्का रिश्ता बनने दो, थोड़ा क्या हो जाएगा. वो कनेक्ट आप जो लोगों के साथ बना रहे हो ना, वो कमाल का है. मतलब वो रिलेटेबिलिटी, आपको पता होगा कि नहीं पता होगा कि जब सोशल मीडिया पे आपके बारे में कुछ डालो, वो भरमार आ जाती है, ये पूछना भाई से, ऐसा करना. शिप्रा, ऐसा जब स्टार मिलता है, ऐसा जब को स्टार आपके साथ है काम करने का, वो कितनी अच्छी केमिस्ट्री रहती है जब ये खुद इतना ग्राउंडेड है, आप लोग सब ऐसे ही हो. ऑफ कोर्स काम करना बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो आधा टाइम आप यही मैनेजमेंट में ही निकाल देते हो. बट इनके साथ ये कोई टेंशन नहीं थी, अच्छा ये सीन करना है, ये सीन करना है, ओके लेट्स डू इट. अच्छा सुबह 4 बजे उठना है, ओके रात को 2 बजे तक शूट हो रहा है, ओके. क्योंकि हम वहाँ पे काम करने गए हैं और हम दोनों को ये पता था कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा प्रोडक्ट है, वो वीडियो अच्छा निकलना चाहिए. तो उसके लिए पूरी मेहनत जी जान से इन्होंने भी किया भाई. बस एक बात है कि अगर मैं टैंट्रम्स दिखा दूंगा कि भाई मेरे को ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो किसी को पता नहीं लगेगा जो वीडियो देख रहे हैं, उनको वो काम दिखेगा. तो काम करने गए तो काम पे फोकस करना चाहिए ना यार, क्या हो गया, कुछ एक चीज कम है, कुछ ज्यादा है, कुछ क्या फर्क पड़ता है, जो कि होता ही है शूट्स पे, ऊपर नीचे चीजें होती हैं, इट्स ओके. कुणाल भाई, पहले से सोच लिया था कि सिंगर और एक्टर मतलब इनको लेना है और ये प्रतीक उसमें कास्ट होंगे? नहीं, ऐसा पहले तो नहीं सोचा था, कि क्योंकि गाना बना के रख लिया था, देन शिप्रा से मिले
तो फिर वो होता ना कि नहीं यार ये गाना बहुत अच्छा है, इसको इस तरह से करते हैं उस तरह से करते हैं, फिर बाकी और भी लोग इन्वॉल्व होते हैं गाने में और अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। आंखों से एक्टिंग कर रहे हो, मतलब वो इसमें वैसे नहीं है, जितने भी आपके गाने हैं ना बैक टू बैक, सामना के समय भी मैंने बोला था कि वो इतना कमाल, आपको बहुत ज़्यादा उसमें करने के लिए नहीं लेकिन जो ना करके भी आप कर रहे हो वो कमाल है भाई। बस वही है कि महसूस यहाँ पे होता है ना, लेकिन हमें हमारा लोग चेहरा देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, लेकिन जो ये फीलिंग है अगर यहाँ से कोई पढ़ ले बिना कुछ ज़्यादा किए तो आई थिंक उससे बड़ी बात कोई नहीं है, एंड अगर वो पढ़ पा रहे हैं जो देख रहे हैं तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। वही सही बात बोली भाई, नेचुरल रखना आपने। हां करेक्ट करेक्ट, फील करना उस चीज को बस। आप तीनों से पूछना चाहूंगा, कभी ऐसा हुआ है कि रियल लाइफ में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है या मतलब प्यार में कभी ऐसा झटका लगा है जो आपके गाने में जैसा दिखाई दे रहा है? बहुत ही मतलब उस गाने को देख के ना ऐसा लगता है कि लास्ट में दिल एकदम निकल गया है। रियल लाइफ में मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ ना, ही हुआ यार किसी के साथ में तो जरा, किसी के साथ ना, बिल्कुल बिल्कुल वेरी पेन, जिसके साथ हुआ होगा उसको सब समझ, लेकिन कोई एक्सपीरियंसेस की बात है भाई, लाइफ में एक्सपीरियंस होने जरूरी है, अगर ठीक है जो भी है सब गॉड ब्लेस एवरीवन यार। और क्या शिप्रा क्या बोलेंगे आप ऐसा, मतलब आप लोग लोगों को अपने फैंस को इतना ज़्यादा इमोशनल कर दिया आपने गाने के। मैं चाहती थी कि जितना सुंदर हमारा ऑडियो है पहले दिन से ही, मैं ये चाहती थी कि वीडियो भी लोगों के दिल में उतर जाए, एक एक सीन से वो लोग कनेक्ट कर पाए और एक एक सीन से लोग जुड़ जाए, और हैप्पीली ऐसा हो रहा है। सो आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑडियंस। गाना इतना सीरियस है, सेट पे कैसा माहौल रहता है? हम हंस रहे हैं लेकिन यही माहौल होता है भाई सेट पे भी, ऐसे ही है मस्ती मजाक बस। हाँ लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज़रा हंसना नहीं, हंस नहीं सकता इंसान, क्योंकि अगर मेरे को रोने वाला शॉट देना है तो मैं एकदम इमीडिएटली अगर उससे पहले हंसूंगा तो फिर वो एनर्जी खराब हो जाएगी। सो आई हैव टू बी इन द जोन, तो मुझे कभी कभी अलग भी होना पड़ता है यू नो फ्रॉम द क्राउड, तो लोगों को लगता है कि एटीट्यूड इश्यूज तो नहीं है, लेकिन मैं क्या बताऊँ भाई, मेरे को बस शॉट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए ऐसा करना पड़ता है कि मैं थोड़ा अलग हो जाता हूँ, बट अदरवाइज यार जो भी कैरेक्टर आप निभा रहे हो उसमें रहना शूट पे भी जरूरी है, मतलब कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल ऐसा कैमरा ऑन होते ही चेंज हो जाते हैं, बट मोस्टली पीपल दे नीड टू बी इन द जोन। भाई बैक टू बैक आपके तो बड़े बड़े गाने आ रहे हैं बॉलीवुड में, लाइगर, एक विलेन, मतलब उसके अलावा ये सिंगल्स, ये ना एक खास है यार, मेरी बत्ती लग जाएगी लाइगर का, इसका नाम मत लेना अभी, उस पे बात नहीं करनी, उस पे नहीं कर सकते अभी बात, ठीक है लाइगर। बैक टू बैक बॉलीवुड में बड़े बड़े गाने आ रहे हैं और प्रतीक शिप्रा इनके जैसे कमाल के आर्टिस्टों के साथ आपके ये सिंगल्स आ रहे हैं, कैसा देखते हो ये साल, मतलब आने वाले और भी प्रोजेक्ट्स को लेके आपके जो खुद के फैंस हैं वो काफी बेताब हैं? मैं उनको रोने वाले गाने थोड़े ज़्यादा देता हूँ तुम ही आना देखो अब तो उन्होंने मतलब बोल दिया कि यार इतना रुला दिया भाई, कुछ हैप्पी लेके आओ, कुछ हैप्पी लेके आओ, तो ये गाना जब आया तो उनको कुछ अलग मिला, क्योंकि गाना शुरू होता है, वीडियो एक डिफरेंट चीज़ है कि आप ऑडियो वाइज अगर देखोगे तो उसमें एक प्योर लव वाला फीलिंग है, तो वो बहुत खुश है इन चीज़ों को लेकर। बाकी डेफिनेटली ये साल बहुत बड़ा है मेरे लिए, लास्ट ईयर भी बहुत गाने आए थे, इस साल उससे भी ज़्यादा गाने आने वाले हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। तो अभी तो रुला दिया, अभी इन लोग के साथ कुछ ऐसा अभी तो गाना लेके आए, नहीं मैंने हंसाया था, इन लोगों ने रुलाया है ऐसा कोई गाना देखने को मिले एंड रिजल्ट भी बड़ा खुश मिजाज हो, मतलब नहीं सेकंड पार्ट बनाते हैं ना फिर ऐसा कुछ, तो इसका यही होना है, कॉफी से मैं निकल जाती हूं कुछ कि जन्नत में मिलते हैं फिर ऐसा कुछ लिया जो मैंने तेरा नाम हुई सुबह से शाम, यूं ही कभी तो बेवजह कर दो दुआ सलाम, तू मुझ में उतर गया रे इतर सब कर गया रे, होने लगा है दिल क्यों ऐसे बेलगा, क्यों ऐसे बेलगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई।